मोर नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका तुला राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, 17 सितंबर 2023 की सुबह है, 7:11 पर सूर्यदेव सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 16 अक्टूबर 2023 तक सूर्य कन्या राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो इस एक महीने की समयावधि में सूर्य सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव डालने वाले हैं। इसका तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। सूर्यदेव किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि या बड़ी खुशखबरी दे सकते हैं और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो सूर्य के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य को ग्रहों का राजा और एक सात्विक ग्रह माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक माना जाता है। उसके साथ साथ सूर्य को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक ग्रह माना जाता है, यानी सभी चीजों पर सूर्य का ही प्रतिनिधित्व और आधिपत्य होता है। सूर्यदेव की स्थिति यदि जन्म कुंडली पर बली हो, मजबूत हो, तो कई प्रकार की सफलता जीवन में देखने के लिए मिलती है। सूर्य बली हो तो सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है। सूर्य बली हो तो जातक के अंदर आकर्षण व्यक्तित्व, लीडरशिप क्षमता और वाणी में तेज होता है। सूर्य बली हो तो जीवन में हर क्षेत्रों में मान सम्मान प्राप्त होता है। वहीं सूर्य के बारे में ऐसा भी कहा गया है कि यदि जन्म कुंडली पर कई ग्रहों की स्थितियां खराब हो, यानी नकारात्मक हो, केवल एक ग्रह सूर्य यदि बली और मजबूत स्थितियों में होते हैं तो जीवन में हर क्षेत्रों में उन्नति अर्जित होती है। वह सूर्यदेव जन्म कुंडली पर पीड़ित हो, खराब हो, तो हड्डियों में प्रॉब्लम, आंखों से जुड़ी हुई समस्या, तेज बुखार की समस्या होती है, मान सम्मान की कमी होती है और पिता के साथ संबंध भी खराब रहता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तुला राशि के जातकों, आपके राशि के लिए यह फलादेश आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य माने जाते हैं, जो 17 सितंबर को आपके द्वादश भाव यानी व्यय भाव पर गोचर करने वाले हैं। राशि के 12वें भाव से व्यय के बारे में, हॉस्पिटलाइज खर्चों के बारे में, मोक्ष हानि, विदेश के बारे में, सैया सुख के बारे में विचार करते हैं। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य के परिवर्तन का मिला जुला प्रभाव मिलने वाला है। सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में यदि आपका कोई भी कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ा हुआ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में यदि आप काम कर रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। उसके साथ साथ तुला राशि के ऐसे जातक जो पूर्व समयावधि से ही कानूनी मामलों में जुड़कर चल रहे हैं और विजय की संभावना को लेकर यदि आप चल रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कर्जों से, यदि आपके जीवन में कर्ज बना हुआ है, उससे आपको निजात मिलने वाली है। उसके साथ साथ सूर्यदेव आपके राशि के 12वें भाव पर मौजूद होंगे, आर्थिक मामलों में आपके जीवन में धन का व्यय करवाने वाले हैं
भौतिक सुखों के ऊपर आप अपने जीवन में धन का व्यय काफी ज्यादा करने वाले हैं। यहां पर तुला राशि वाले जातकों को एक विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए धन का सोच विचार कर व्यय करने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य का इस समयावधि में 12वें भाव पर गोचर होना सेहत के मामले में आपको सावधानी बरतने की विशेष सलाह दे रहा है। इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। द्वादश भाव पर मंगल और सूर्य की मौजूदगी आपके जीवन में शारीरिक समस्याओं का निर्माण भी या शारीरिक समस्याओं को जन्म दे सकती है। अगर आपके लिए सावधानियों की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले सावधानी तुला राशि वाले जातकों को यही रखनी चाहिए, आने वाले समय में बेहतर स्थितियों का निर्माण करने के लिए जल्दबाजी में यदि आप कोई निर्णय ले रहे हैं, धन का व्यय कर रहे हैं, इस पर आपको सावधान रहना है। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में भावना के वशीभूत होकर यदि आप कर्म क्षेत्र के मामले में कोई बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, यहां पर भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक दृष्टिकोण से तुला राशि वाले जातकों को सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को नित्य प्रति जल अर्घ देना बेहतर रहने वाला है। वहीं सूर्य जन्य शुभता को अर्जित करने के लिए इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को पिता तुल्य लोगों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।